वेलकम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फेस्टियोला हेपेटिका का स्टडी करेंगे। फेस्टियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटीहेलमिंथ्स फाइलम का एग्जांपल है, जो आपको पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये इंडो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। किसमें? सीप में। तो फेस्टियोला हेपेटिका के बारे में हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इसके बॉडी वॉल की स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग फेस्टियोला हेपेटिका के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें या जान लें कि फेस्टियोला हेपेटिका कहाँ पाया जाता है। फेस्टियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक है और ये सीप के बाइल पैसेज में, मतलब सीप के बाइल डक्ट और बाइलरी पैसेज में ये पाया जाता है लीवर के। तो अगर फेस्टियोला हेपेटिका की बात करें तो फेस्टियोला हेपेटिका सीप के लीवर में पाया जाता है, जिसको लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये लीवर या बाइल डक्ट अनदर वर्टिब्रेट में भी पाया जाता है, जैसे आपका ऑक्स है, काउ है, मोस्टली हम कह सकते हैं कैटल, और समटाइम्स आपका मैन, सीप, मंकी, रैबिट आल्सो। ये डायजेनेटिक है, डायजेनेटिक ट्रीमेटोर्स, अभी इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो डायजेनेटिक मीन्स इट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। फर्स्ट होस्ट या प्राइमरी होस्ट जो होगा वो क्या होगा? सीप होगा। और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा? स्नेल। इंडो पैरासाइट, क्योंकि बॉडी के अंदर ये रहता है, कहाँ रहता है? लीवर में, इसलिए क्या हुआ? इंडो पैरासाइट। अगर वो बाहर होता तो हम इसको एक्सो पैरासाइट कहते हैं, लेकिन फेस्टियोला हेपेटिका क्या है? इंडो पैरासाइट। इसकी वजह से जो आपकी डिजीज होगी, कॉज जो डिजीज करेगा उसको हम कहेंगे फेस्टियोलेसिस। अदर वर्टिब्रेट में आपने जान ही लिया कि गॉड्स, ऑक्स, रैबिट, मैन ऑल्सो ये पाया जाता है। और अगर हम सिंगल एक सीप को देखें, अगर इन्फेक्टेड सीप को देखें, तो अबाउट 200 एडल्ट फ्लूक आप देख सकते हैं उसके लीवर में, ठीक है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या है? ये फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स का है। प्लेटीहेलमिंथ्स मींस क्या हुआ? फ्लैट वर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिंस मतलब पैरासाइटिक, यानी फ्लैट वर्म आपका क्या हो गया? प्लेटीहेलमिंथ्स। क्लास की बात करें तो ट्रिमेटोडा है, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो डिजिनिया, डाइजिनिया, डाइजिनिया मीन्स टू सकर। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। डाइजिनिया मीन्स टू सकर प्रेजेंट है इसके इसके पास। फैमिली फेसलोडी, जीनस फेस्टियोला, स्पीसीज हेपेटिका। एक्सटर्नल अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटेंट है, हर सभी जगह पाया जाता है, लेकिन जहां पे सीप सबसे ज्यादा पाई जाती है तो उस कंट्री में वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो शेप साइज, उसका कलरेशन कैसा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है एक्सटर्नली, तो अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या है? शेप एंड साइज कैसा होता है। तो शेप और साइज की बात करें तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, लीफ लाइक, पत्ते की तरह, जैसे पत्ता होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेंथ की बात करें तो 1.8 से 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कलरेशन की अगर हम बात करें कि ये कैसा कलर है, तो ये पिंकिश इन कलर है, बट ये ट्रांसपेरेंसी होता है, ट्रांसपेरेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लैकिश और ब्राउनिश ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि विटलाइन ग्लैंड ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर का होगा, तो उसके मार्जिन में ये ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर दिखेगा। समटाइम क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल अपीयर रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल, तो वो कैसा दिखेगा? ब्राउनिश। ड्यू टू, क्यों ब्राउनिश दिखेगा एलिमेंट्री कैनाल? क्योंकि वो बाइल को इंजेस्ट किया हो रहेगा, इस वजह से वो क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल उसका कैसा दिखेगा? आपका ब्राउनिश इन कलर की। अब उसके बाद क्या है? ओरल और कोन हेड, या आप इसको कहते हैं ओरल या ओरल कोन कह सकते हो, या हेड लोब कह सकते हैं। सकर की बात करें तो सकर आपका एंटीरियर सकर और वेंट्रल सकर है। अभी हम लोग इसको फिगर में देख लेंगे। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं, ये फेस्टियोला हेपेटिका मैंने बनाया है, तो ये फेस्टियोला हेपेटिका है मैंने बनाया, और ये क्या है? फेस्टियोला गिंगेटिका, ठीक है। ये कैटल में पाया जाता है, इस तरह का फेस्टियोला गिंगेटिका कहाँ पाया जाएगा? कैटल में। और फेस्टियोला हेपेटिका कहाँ पाया जाएगा? सीप में पाया जाएगा। तो दोनों का लगभग स्ट्रक्चर सेम ही है। इसके अलावा फेस्टियोला बस की एक और आपका है, फेस्टियोला बस की जो क्या होता है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट है इनटू द मैन का इंटेस्टाइनल पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अगर अब हम देखें स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं।
एंटीरियर ईयर क्या है, आपका एंटीरियर ईयर ब्रॉड है, ब्रॉड मीन्स पॉइंटेड प्रोजेक्ट आउट, मतलब आगे की तरफ ये पॉइंटेड जैसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा निकला हुआ है, जिसको हम क्या कहेंगे ओरल सकर, या ये ओरल सकर उसके टिप पे है, लेकिन एंटीरियर एंड क्या है, जैसे पोस्टीरियर एंड की बात करें तो पोस्टीरियर एंड क्या है ब्लड स्ट्रक्चर है, और एंटीरियर क्या है आपका आप ब्रॉड देख सकते हैं बट क्या है शोल्डर, मान लीजिए हम इसका करें बात करेंगे शोल्डर की बात करें तो दो साइड से ये कोन लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं सिफेलिक कोन, क्या कह सकते हैं सिफेलिक कोन, तो ये सिफेलिक कोन हो गया। अब ये सिफेलिक कोन के एंटीरियर इंड पे आपका एक एपर्चर होता है, इस एपर्चर को हम क्या कहेंगे माउथ, और माउथ आपका बाउंडेड रहता है ओरल सकर, तो मैंने सकर की बात करी कि दो तरह की सकर पाया जाता है, एंटीरियर इंड पे क्या प्रेजेंट है ओरल सकर। अगर हम सकर की बात करें तो टू टाइप ऑफ सकर प्रेजेंट इन फेसियोला हिपेटिका अदरवाइज फेसियोला गिगाटिका, पहला सकर क्या है ओरल सकर और दूसरा सकर वेंट्रल सकर। ओरल सकर आल्सो कॉल्ड ओरल मतलब माउथ के पास, क्योंकि इसके एंटीरियर टिप में क्या है माउथ है, तो ये आपका अटैचमेंट के लिए तो काम कर ही कर रहा है लेकिन ये फीडिंग में भी मदद करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा ओरल सकर। दूसरा सकर क्या है वेंट्रल सकर, वेंट्रली साइड में जस्ट गोनोपोल के नीचे आपका क्या प्रेजेंट रहेगा वेंट्रल सकर। वेंट्रल सकर को हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रल सकर को हम पोस्टीरियर सकर भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे पोस्टीरियर सकर, और अनदर नेम कॉल एसिटाबुलम, क्या बोल सकते हैं एसिटाबुलम, तो वेंट्रल सकर को पोस्टीरियर सकर, वेंट्रल सकर और अदरवाइज एसिटाबुलम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इन बिटवीन ये ओनली फॉर दैट वेंट्रल सकर या एसिटाबुलम क्या होता है सिर्फ अटैचमेंट के लिए, ओनली फॉर द अटैचमेंट, कोई भी न्यूट्रिशन या प्राप्त करने के लिए नहीं करता, ये सिर्फ एंकरिंग और अटैचमेंट के लिए, कहां पे बाइल पैसेज में, ठीक है। अब इन दोनों सकर के बीच हम देख सकते हैं ओरल सकर जिसको एंटीरियर सकर कह रहे हैं, पोस्टीरियर सकर के बीच में आपका क्या है मिड में आपका एक एपर्चर है जिसको हम क्या कह सकते हैं गोनोपोर या जेनाइटल एपर्चर, क्या कह सकते हैं गोनोपोर या जेनाइटल एपर्चर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में क्या स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, देखिए लगभग इसका जो जो आपका पैल ये क्या है पैलर इन फैशन है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है एंटीरियर थोड़ा सा ब्रॉड है, पोस्टीरियर थोड़ा सा क्या हो रहा है कम होते जा रहा है, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में यही फर्क है। इसका जो आपका सेफेलिक कोन है सेफेलिक तो ये ज्यादा क्या है फैला हुआ है और पोस्टीरियर आते आते ये क्या हो रहा है ये पतला हो जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन में गिंगाटिका में क्या होता है कि लगभग ये पैलर फैशन में पाया जाता है और साइज में ये क्या हो जाता है लंबा हो जाता है, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा क्या होगा साइज में लंबा होगा। तो मोस्टली हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे फेसियोला हिपेटिका को ही लेके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है सकर के बाद हम क्या देख सकते हैं अपर्चर के बारे में देख सकते हैं। तो अपर्चर क्या है, तीन तरह का अपर्चर इसमें होता है। फर्स्ट अपर्चर आप जिस देख रहे हैं जहां पे ये ओरल हुड के एंट्री पे पाया जा रहा है ओरल सकर जिसको कहेंगे, तो ये अपर्चर क्या है माउथ, ये अपर्चर क्या है माउथ है। आफ्टर डैट दूसरा अपर्चर आप देख सकते हैं, ये अपर्चर क्या है बॉडी में गोनोपोर, और तीसरा अपर्चर क्या देख सकते हैं एक्सक्रीटरी पोर। तो कितने अपर्चर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना अपर्चर पाया जाता है एक्सटर्नली अगर हम देख रहे हैं, तो पहला माउथ, दूसरा आपका गोनोपोर, थर्ड आपका एक्सक्रीटरी। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट इन सेंस कि माउथ तो है लेकिन आप देख सकते हो कहीं भी अपर्चर एनस का नहीं है या एनस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पास माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन में एक और भी अपर्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं लॉरेल कैनाल, क्या कहेंगे लॉरेल कैनाल। तो ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में, तो नॉर्मली ऐसे तीन आपका अपर्चर दिखता है, लेकिन ड्यूरिंग ब्रीडिंग अगर क्वेश्चन में आया तो आप थ्री अपर्चर बताएंगे, लेकिन अगर लॉरेल कैनाल भी दिया होगा तो आप ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, क्योंकि तब लॉरेल कैनाल भी एक ओपनिंग पाया जाता है जो मेटिंग में मदद करता है। आपको जब इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको ये बताएंगे। स्केल की बात करें कि इसकी बॉडी पे कैसी स्केल है, तो पूरी बॉडी कवर्ड है आपका किससे क्यूटिकल, जिसको हम कहेंगे टैगुमेंट, टैगुमेंट लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी वाला भी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो टैगुमेंट से कवर्ड है
और इस टेगोमेंट में क्या है, स्पिन्यूल्स या स्केल, क्या बोलेंगे, स्पिन्यूल्स या स्केल, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड रहेगा, बैकवर्डली डायरेक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये एंकरिंग करेगा, किसमें एंकरिंग करेगा, बाइल में या लीवर में, उसके पैसेज में क्या करेगा, एंकरिंग करेगा उसके बॉडी वॉल को। तो ये क्या था, इसका स्ट्रक्चर है किसका, फेसियोला हिपैटिका का। तो अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो फेसियोला हिपैटिका का बॉडी वॉल एडाप्टेड फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि ये पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ में सर्वाइव करने के लिए इसका बॉडी वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर बॉडी वॉल को हम देखें तो बॉडी वॉल कंटेन टैगोमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलेचर एंड मेसेनकाइमा और पैरेनकाइमा। तो हम लोग देखते हैं कि लेकिन इसकी स्टडी, बॉडी वॉल की स्टडी हम लोग दो तरह से करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था, ये बाहर का जो जहां हम लोग टैगोमेंट की बात करते हैं, वो नॉन लिविंग नॉन सेलुलर पार्ट क्यूटिकल्स के जैसा स्ट्रक्चर होता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा क्या कि ये क्या है, टैगोमेंट, आपका बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, टैगोमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि बॉडी वॉल कैसे डिफरेंशिएट है। तो बॉडी वॉल आफ्टर सबसे पहले क्या बोलेंगे, टैगोमेंट। तो टैगोमेंट क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर से देखें, आउटर मोस्ट कवरिंग है, थिक है, नॉन सिलिएटेड है, साइटोप्लाज्मिक सिंसेशियल। अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर बाहर की बात करें तो ये फिगर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉडी वॉल का, फेसियोला हिपैटिका का VLS सेक्शन है, जो क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, क्यूटिकल्स। तो क्यूटिकल्स क्या है, नॉन सेलुलर। जब हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखते थे तो ये नॉन सेलुलर आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर दिखता था, और क्यूटिकल्स इसको हम कहते हैं। और लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, टैगोमेंट। तो टैगोमेंट में ये क्या हो गया, ये लिविंग पार्ट हो गया, जहां पे हम उसको नॉन लिविंग बोल रहे थे, ये क्या हो गया, सेलुलर कंटेंट, यानी इसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होता है, आपके गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होंगे, आपके ईआर के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, और पिनोसाइटिस एंड पोर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो हम देख सकते हैं क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, पिनोसाइटिक वेसिकल्स और पोर कैनाल प्रेजेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं टैगोमेंट का ये लेयर है, क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, पिनोसाइटिक वेसिकल्स है, और बैकवर्डली डायरेक्टेड क्या है, स्पाइन, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पिन्यूल्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड क्या है, स्पाइन। ये क्या करता है, इसको एंकरिंग में मदद करता है, बाइल पैसेज में या बाइल डक्ट में, ये क्या होता है, इसके द्वारा ये क्या होता है, एक कांटे जैसा बैकवर्डली डायरेक्ट स्पाइन है, जो उसके क्या करेगा, वहां पर वो एंकरिंग करने में मदद करेगा। तो नंबर ऑफ क्या है, सिक्रेटेड बाय द टैगोमेंट सिक्रेटिंग सेल। इसमें क्या है, ये टैगोमेंट कैसे सिक्रीट होता है, टैगोमेंट लेयर टैगोमेंट सिक्रेटिंग सेल के द्वारा आपका सिक्रीट होता है। और ये क्या है, ये अपर पार्ट में इसका एपेक्स में इसका रहता है, और ये फाइनली ये टैगोमेंट सिक्रेटिंग सेल कहाँ इम्बेडेड रहता है, मेसेनकाइमा। ये पार्ट हमारा क्या है, मेसेनकाइमा, या इसको हम कह सकते हैं पैरेनकाइमा, काइमेटस सेल, ठीक है। तो और क्या है, नंबर ऑफ बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस फॉर एंकरिंग, ये जान ही रहे हैं। अगर हम इसके लेयर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आउटर सरफेस जो है वो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन देख सकते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, विलाई, क्या कहेंगे, विलाई, जो क्या करेगा, उसका सरफेस एरिया में बढ़ा देगा, जिसकी वजह से होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये क्या कर रहा है, क्या में मदद कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम एमिनो एसिड फ्रॉम होस्ट के टिश्यूज और फ्लूड से, ये क्या कर रहा है, एमिनो एसिड का आपका एब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये दोनों में बस इतना ही फर्क है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट, जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप में हमने देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, यहाँ ए सेलुलर है और ये सेलुलर कंटेन है, क्योंकि यहाँ सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी सभी चीज प्रेजेंट है। जस्ट बीनीथ यहाँ क्यूटिकल्स, और इसको फाइनली क्या हुआ, क्यूटिकल्स नाम को फाइनली क्या कर दिया गया, कह दिया गया कि क्यूटिकल्स नहीं प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, टैगमेंट। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, वो कवरिंग है टैगमेंट। जस्ट बीनीथ द टैगमेंट, टैगमेंट के जस्ट नीचे क्या है, आपका ये लाइनिंग देख सकते हैं, ये लाइनिंग क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। यहां भी आप देख सकते हैं क्या है, ये लाइनिंग क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, आपका एसिडोफिलिक लेयर है, क्या है, एसिडोफिलिक लेयर है।
अगर हम इसको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये थीन और ये भी नॉन सेलुलर दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो ओनली इट आउटर मार्जिन, इसका आउटर मार्जिन डिस्टिंक्ट रहेगा और इनर मार्जिन जो है आपका इसके जस्ट बीनीथ लेयर से वो क्या रहेगा, इम्बीड रहेगा या उसके साथ सटा रहेगा। जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे क्या है, मस्कुलेचर लेयर। मस्कुलेचर लेयर मतलब मसल्स, यानी इंटेगुमेंट्री मसल्स हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, इंटेगुमेंट्री मसल्स। यहाँ इंटेगुमेंट्री मसल्स में आप देख सकते हैं कि थ्री लेयर हमें मसल्स के दिख रही है। मसल्स के लेयर क्या है आपका, जस्ट बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ये आप देख सकते हैं क्या, सर्कुलर मसल्स। जस्ट उसके नीचे ये लेयर देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जस्ट उसके ये नीचे देख सकते हैं ऑब्लिक मसल्स। जस्ट आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका बस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये सर्कुलर मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, और ऑब्लिक मसल्स। यहाँ ऑब्लिक मसल्स नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग उसको नहीं दिखा सकते हैं। फाइनली अगर हम सकर की बात करें तो इन सकर में क्या होता है, सम रेडियल मसल्स बंडल। उसके सकर मैंने बताया था दो तरह के सकर हैं, एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर। एंटीरियर सकर को हम क्या कहते हैं, ओरल सकर, और पोस्टीरियर सकर को वेंट्रल सकर और ऑल्सो कॉल्ड एसिटाबलम। तो वहां पे क्या होता है, रेडियल मसल्स बंडल्स पाए जाते हैं। तो तीन तरह का मसल्स है, सर्कुलर मसल्स क्या है, आउटर लेयर में है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहाँ है, आपका मिडिल लेयर में है। और डायगोनल या ऑब्लिक मसल्स कहाँ है, आपका सबसे इनर लेयर ऑफ मसल्स है। जस्ट बीनीथ इस मेज आपके ये मसल्स के लेयर के जस्ट नीचे आपका ये जो लेयर है ये क्या है, मेसेनकाइमा और ऑल्सो कॉल्ड पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा तो पेरेनकाइमा और मेसेनकाइमा का लेयर है। यहां भी देख सकते हैं यहां से ये यहां तक क्या है आपका मेसेनकाइमा और पेरेनकाइमा। और इस मेसेनकाइमा में आप क्या देख सकते हैं, ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो क्या है, क्यूटिकल। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे, तो क्यूटिकल का लेयर पहले कहना था कि क्यूटिकल सिक्रेटिंग मेसेनकाइमा सेल है। क्यूटिकल वो मेसेनकाइमा सेल जो क्यूटिकल सिक्रेट करता है, लेकिन जब हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो यही नाम क्या हो जा रहा है, टेगुमेंट्री सिक्रेटिंग। क्या है ये लेयर आपका, ये जो सेल मैंने बनाई है क्या है, टेगुमेंट्री सिक्रेटिंग आपका क्या, टेगुमेंट्री सिक्रेटरी मेसेनकाइमा सेल। क्योंकि हमने क्यूटिकल्स, अब क्या है क्यूटिकल्स यूज नहीं करता, अब उसकी जगह पे टेगुमेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये लेयर क्या हो गया, ये जो सेल है मेसेनकाइमा में इम्बीडेड है, ये क्या है आपका टेगुमेंट्री सिक्रेटिंग मेसेनकाइमा सेल। तो अगर हम मेसेनकाइमा या पेरेनकाइमा की बात करें तो मेसेनकाइमा पेरेनकाइमा क्या होता है, स्पेस बिटवीन। ये क्या है, यहां भी आप देख सकते हैं आपका मसल्स लेयर और जस्ट बॉडी के बीच में जो स्पेस है, यानी स्पेस बिटवीन द मसल्स लेयर एंड बॉडी वॉल, जो बॉडी ऑर्गेन के बीच में जो फिल करने के लिए जो लार्ज इरेगुलर ब्रांचिंग आपका लेयर है या पार्ट है, जो फ्रूट फिल्ड है, यूनिसेलुलर और बायन्यूक्लिएटेड हो सकता है, यही लेयर क्या है, मेसेनकाइमा और पेरेनकाइमा। यहाँ भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में भी है, ये स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट बीनीथ द मसल्स, मसल्स के लेयर के जस्ट नीचे ये हमारा इंट्यूगमेंट्री है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये मसल्स का लेयर है आपका, तीन लेयर, एक दो तीन, और जस्ट ये क्या है, मेसेनकाइमा और पेरेनकाइमा। तो अगर हम मेसेनकाइमा की बात करें तो मेसेनकाइमा क्या है, स्पेस बिटवीन, क्या बोलते हैं इसको, स्पेस बिटवीन द मसल्स एंड बॉडी ऑर्गेन, बॉडी ऑर्गेन के बीच में जो आपकी फीलिंग स्पेस है, वो आपका स्ट्रक्चर या सेल क्या हुआ, मेसेनकाइमा या पेरेनकाइमा। तो मेसेनकाइमा डिराइव्ड होता है किससे, बनता है मेसोडर्मल सेल से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट सर्व एज पैकिंग मटेरियल, मतलब क्या करता है, इस स्पेस को पैकिंग करने के लिए जो आपका स्ट्रक्चर है वही क्या है, मेसेनकाइमा है। यहां आप देख सकते हैं मेसेनकाइमा, और इस मेसेनकाइमा में आपको दिख रहा है इम्बीडेड इंटीग्रेटेड सिक्रेटरी मेसेनकाइमा सेल, जिसमें आपको ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या है, ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, गॉल्जी बॉडी दिख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है। तो ये आपका क्या हुआ, मेसेन, आप इसको कहेंगे इंट्यूगमेंट्री सिक्रेटिंग मेसेनकाइमा सेल। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है और ये लाइट माइक्रोस्कोप का बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है।
तो टेगुमेंट्री मसल्स की अगर हम बात करें तो टेगुमेंट हमारा क्या मदद कर रहा है, ये अनअफेक्टेड रहेगा। डाइजेस्टिव होस्ट का जो डाइजेस्टिव जूस है उससे ये क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, जिसको वो डिजॉल्व नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से ये डिजॉल्व नहीं हो पाता है टेगुमेंट, क्योंकि ये क्या है, थिक है, नॉन सिलिएटेड है, साइटोप्लाज्मिक सिंसिशियल है, जिसकी वजह से वो इजिली पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, और उसके बाइल डक्ट में और बाइल पैसेज में वो इजिली रह सकता है। तो आगे की वीडियो में हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो कैसा आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप फर्दर मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके स्टूडेंट।